हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स सितंबर फोर्थ वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेकेंड ट्रेंची ऑफ PLI स्कीम ऑन नेशनल प्रोग्राम ऑन द हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स, राइट? तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी PLI स्कीम के ऊपर। PLI का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। PLI का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, राइट? कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने 14 सेक्टर्स के अंदर, और 14 सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे हम ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं, मतलब जो इंपोर्ट डोमिनेटेड सेक्टर्स हैं उस सेक्टर्स के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरर्स को इंकरेज करने के लिए यहाँ पे PLI स्कीम लॉन्च की गई है कि उस 14 सेक्टर्स के अंदर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा डोमेस्टिकली उतना ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा, राइट? तो ये PLI स्कीम के अंडर में हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेकेंड ट्रेंची लॉन्च किया गया है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरा हफ्ता लॉन्च किया गया है, राइट? मतलब इस सोलर PV मॉड्यूल्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर दूसरी बार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा PLI स्कीम के अंडर में कुछ फंड अलोकेट किया गया है, आप अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो, राइट? तो ये सोलर PV मॉड्यूल्स क्या है? ये सोलर PV मॉड्यूल्स वही चीज़ है कि जो सोलर पावर से जो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसके अंदर सबसे मेन जो कंपोनेंट है ना वो सोलर PV मॉड्यूल्स है, जो हम नॉर्मली लगभग 90% से भी ज़्यादा हम इंपोर्ट करवाते हैं सोलर PV मॉड्यूल्स, क्योंकि हम उसका डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को सोलर PV मॉड्यूल्स डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर वो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उसका करेंगे तो उसका उतना ज़्यादा उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके लिए इस सोलर PV मॉड्यूल्स के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर दूसरी बार फंड अलोकेट किया गया है PLI स्कीम के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ का जो सार है वो आपको पता चला होगा। अभी मैं न्यूज़ को डिटेल के अंदर समझाता हूँ कि अभी रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड द सेकेंड ट्रेंची ऑफ 19,500 करोड़ PLI स्कीम ऑन द नेशनल प्रोग्राम ऑन द हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स विथ एन एम टू अट्रैक्ट 94,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि टोटल 14 सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना टारगेट रखा गया है, 1.97 लाख करोड़। इतना टारगेट रखा गया है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट 1.97 लाख करोड़ तक का इंसेंटिव दे सकती है जो इंपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं वहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंकरेज करने के लिए। तो ये 1.97 लाख करोड़ में से ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए उसका अभी सेकेंड फंड अलोकेशन कितना किया गया है, 19,500 करोड़। अभी ये सेकेंड अलोकेशन किया गया है, राइट? ओके, और ये कौन से प्रोग्राम के अंडर में? तो नेशनल प्रोग्राम ऑन द हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स के अंडर में, राइट? ओके, और उसका एम क्या है कि इस सेकेंड फंड अलोकेशन PLI स्कीम के अंडर में क्यों किया गया है इस सेक्टर के अंदर? क्योंकि 94,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर के अंदर हो सके इसके लिए। ओके, और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ 500 GW ऑफ द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टारगेट बनाया है कि 2030 तक जितने भी हमने इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को इंस्टॉल किया है उसमें से 500 GW वो कहाँ से आना चाहिए, नॉन फॉसिल सोर्सेज से। मतलब नॉन फॉसिल सोर्सेज मतलब कि जो सोर्सेज से कार्बन एमिशन क्रिएट ना होता हो,
ये नॉन फॉसिल सोर्सेज से 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जनरेट होनी चाहिए 2030 तक, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट बनाया गया है। एक टारगेट ही इम्पोर्टेंट है। ये हम सेकेंड ट्रेंची की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ट्रेंची था, जो फर्स्ट फंड एलोकेशन था ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना पैसा एलोकेट किया गया था। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 4500 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया था। अभी 19,500 करोड़ एलोकेट किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेंची के अंदर 4500 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए थे, राइट। और ये सभी चीज़ें किसके द्वारा बताई गई हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा बताई गई हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, डॉक्टर लोगनाथन मुरुगन। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आई थिंक आपको ये पीएलआई स्कीम के बारे में, पीएलआई स्कीम को कितने सेक्टर्स के अंदर इंप्लीमेंट होती है, टोटल कितना फंड उसके लिए अलोकेट किया गया है, उसमें ये सेकेंड ट्रेंची के अंदर कितना अलोकेट किया गया, फर्स्ट ट्रेंची के अंदर कितना अलोकेट किया गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट कितना है 2030 तक ये अचीव करने का, वो आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू रोल आउट पीएम प्रणाम स्कीम टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि वो पीएम प्रणाम स्कीम को रोल आउट करेगी। क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए, राइट। अभी इस न्यूज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंड्स टू लॉन्च द प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ द अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर द एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री प्रमोशन फॉर द अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर द एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, राइट। हमको न्यूट्रिएंट्स का तो यूज़ करना है, लेकिन अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स, हमको केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करना है, फॉर द एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, राइट। तो ये प्रणाम स्कीम का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, राइट। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। अभी हम प्रणाम स्कीम की अगर मैं बात करूँ, कि प्रणाम स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रमोट द यूजिंग द फर्टिलाइजर्स इन एन बैलेंस मैनर अलोंग विद द बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एज अ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, राइट। प्रणाम स्कीम क्या इंकरेजमेंट लेके आया है, क्या फर्टिलाइजर का यूज़ करो लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको एज अ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स के तरीके से किसका यूज़ करना है, बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, राइट। दिस प्रोग्राम इज इंटेंड्स टू लोअर द कॉस्ट ऑफ द सब्सिडीज फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर्स विच इज प्रोजेक्टेड टू राइज टू ₹2.25 लाख करोड़ इन 2022-23, अ 39% इंक्रीज फ्रॉम 1.62 लाख करोड़ इन 2021-22। देखो फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको पता है कि भाई हमारे इंडिया के अंदर जो मॉनसून सीज़न है ना, वो अनइवन है, और नॉर्मली मॉनसून सीज़न का ड्यूरेशन है थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, और इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर अगर कोई क्रॉप को सफिशिएंट ग्रो करवाना है तो फार्मर को फर्टिलाइजर का यूज़ करना ही पड़ेगा। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई फार्मर को केमिकल फर्टिलाइजर के बिना नहीं चलेगा, राइट। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि जो कंपनी केमिकल फर्टिलाइजर बनाती है, जो कंपनी केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाती है, वो कंपनी उसकी जो एमआरपी है उससे कम प्राइस के ऊपर फार्मर को ये फर्टिलाइजर प्रोवाइड करे, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वो केमिकल फर्टिलाइजर जो मैन्युफैक्चर करती है उस कंपनी को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल कि कोई एक केमिकल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, राइट। फॉर एग्जांपल कोई कोई भी एक कंपनी ले लो, बराबर ना, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करती है, और उसकी एमआरपी 50 रुपया है, उसकी एमआरपी 50 रुपया है, राइट। अभी फार्मर को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई हर एक फार्मर को केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने अगर क्रॉप को सफिशिएंट ग्रो करना है तो इसके लिए उसको फर्टिलाइजर का यूज़ करना पड़ेगा, वरना उसको नुकसान होगा। इसके लिए हर एक फार्मर वो इजीली एक्सेस कर पाए केमिकल फर्टिलाइजर को, राइट। तो उसके लिए
जो कंपनी को जो MR कंपनी ने जो MRP रखी है, फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ है, तो वो MRP से भी कम प्राइस के ऊपर फार्मर को दे सके। फॉर एग्जांपल फार्मर को ये कंपनी कितने रुपीज़ में देगी, 30 रुपीज़ में, तो ये MRP 50 रुपया है और ये फार्मर को दे रही है 30 रुपीज़ में, तो ये बाकी का 20 रुपीज़ का नुकसान क्या आपको क्या लगता है कि वो कंपनी भुगत देगी? नहीं, बाकी का 20 रुपीज़ है ना सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब बाकी का जो 20 रुपीज़ है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कंपनी को प्रोवाइड करेगी। राइट, समझ में आया? तो ये जो सब्सिडी का जो खर्चा है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, वो 2022-23 के अंदर कितना होने वाला है, 2.25 लाख करोड़ होने वाला है, ऐसा एस्टिमेटेड लगाया जा रहा है। और यही सेम खर्चा 2021-22 के अंदर कितना हुआ था, 1.62 लाख करोड़। तो ये खर्चे को रिड्यूस करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर की जगह अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करने की बात चल रही है। अभी समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, अब ये स्कीम की अगर मैं फंक्शनलिटी की बात करूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू डिटरमाइन अ स्टेट्स यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स इन अ गिवन ईयर बाई कंपेयरिंग इट्स एवरेज कंजप्शन ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। राइट, यहाँ पे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टेट गवर्नमेंट, उसने लास्ट 3 साल के अंदर कितना एवरेज कंजप्शन किया ये केमिकल फर्टिलाइजर का। राइट, और ये 4थे साल के अंदर वो स्टेट्स को बोल रही है कि भाई आप है ना केमिकल फर्टिलाइजर का कम यूज़ कीजिए। अभी कम यूज़ कीजिए तो आपको फर्टिलाइजर का तो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन केमिकल की जगह आप बायो फर्टिलाइजर का यूज़ कीजिए या तो फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ कीजिए। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल ये प्रणाम सिंह के अंदर में क्या किया जाएगा, मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दिया जाता दिखाता हूँ। राइट, कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पहले 500 केजी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ होता था, 500 केजी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो ये 500 केजी केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस कंपनी को। राइट, जो भी एक्स वाई जेड कंपनी होगी, अलग अलग कंपनी होगी, हम एक ही कंपनी को पकड़ के चलते हैं, तो जो स्टेट के अंदर पहले 500 केजी केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ होता था, अगर वही स्टेट के अंदर अभी 400 केजी केमिकल फर्टिलाइज़र और 100 केजी बायो फर्टिलाइज़र या तो फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ होता होगा, तो इससे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, यही या ये प्रणाम स्कीम के अंडर में आपको देखने की बात है कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट पहले 500 केजी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करता था, अभी वो 400 केजी यूज़ कर रहा है, मतलब कितना बचा रहा है, 100 केजी, 100 केजी केमिकल फर्टिलाइजर को कम वो यूज़ कर रहा है। राइट, तो ये 100 केजी केमिकल फर्टिलाइजर का उस वो जो कम यूज़ कर रहा है ना, तो उसने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी को बचाया, यहाँ पे उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी को बचाया, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी को उसने बचाया है ना, तो शुरुआत में स्टेट गवर्नमेंट को इंकरेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो सब्सिडी बचाया है ना, तो उसमें वो सब्सिडी में से 50% स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी, और 50% कहाँ पे देगी, कि जो फार्मर ने उस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में बराबर ना कि केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पे कोई अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स का यूज़ किया है, तो उस फार्मर को और आगे अपनी टेक्निक को डेवलप करने के लिए यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। ये 50% उस सब्सिडी में से जो बचाया है सब्सिडी के अंदर, ये जो 100 केजी का जो बचाया हुआ जो सब्सिडी है, उसमें से 50% फार्मर को दिया जाएगा, या तो फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बराबर ना जो भी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो भी जिसने ये टेक्निक को यूज़ किया है, उसको अपनी टेक्निक को डेवलप करने के लिए ये पैसा दिया जाएगा। और उसके अलावा जो 50% है वो जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये हुआ है, उस स्टेट गवर्नमेंट को अपनी स्टेट के अंदर ये पॉलिसी को फर्दर इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको इंकरेज करने के लिए बाकी का 50% उसको दिया जाएगा। राइट, तो ये प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ द अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर द एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना PM प्रणाम स्कीम का एक मेन ऑब्जेक्टिव, उसका फंडिंग मेकेनिज्म और उसकी फंक्शनलिटी है। राइट, आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना? अगर मैं बजटरी सपोर्ट की बात करूँ कि फर्टिलाइजर सब्सिडीज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना बजट अलोकेशन रहता है, बराबर ना, तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्टिलाइजर सब्सिडी इन 2020-21 वॉज रुपीज 1.27 लाख करोड़। 2020-21 के अंदर कितना था सब्सिडी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना खर्चा किया,
1.27 लाख करोड़, राइट। 2021-22 के अंदर कितना खर्चा हुआ, 1.62 लाख करोड़, और 2022-23 के अंदर कितना खर्चा होने वाला है, 2.25 लाख करोड़। तो ये खर्चे को काबू में लाने के लिए ये चीज़ अनिवार्य है, पीएम प्रणाम स्कीम अनिवार्य है। ओके, तो अगर मैं मिनिस्टर ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर की बात करूँ तो मनसुख मांडवीय जो उसके मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, भगवंत खूबा, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उन्होंने एक कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया है, उन्होंने एक कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया है टू फैसिलिटेट द फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। जो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सी दो मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, राइट। तो ये कन्वर्जेंस पोर्टल क्या है, उसका फंक्शन क्या रहेगा और क्या क्या चीज़ों को यहाँ पे कन्वर्ज किया गया है उसके बारे में देखते हैं। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टूगेदर अनवेल ए कन्वर्जेंस पोर्टल फॉर द 3 फ्लैगशिप स्कीम्स, राइट। तीन स्कीम को यहाँ पे कन्वर्ज किया गया है और कौन कौन सी तीन स्कीम उसके बारे में देखते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज एंड द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये तीन स्कीम को यहाँ पे कन्वर्ज करके एक कन्वर्जेंस पोर्टल बनाया गया है ये दो मिनिस्ट्री के द्वारा। अभी आपको इस न्यूज़ को समझने से पहले तीनों स्कीम को इंडिविजुअली समझना पड़ेगा, तो चलें हम एक एक करके तीनों स्कीम को समझते हैं, राइट। ओके, तो उसमें से पहली स्कीम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF, राइट। तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है, बराबर। तो फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, उसने क्रॉप तो ग्रो कर लिया, लेकिन ये क्रॉप को जब तक वो एंड यूजर के तक ना पहुँचे तब तक फार्मर को उसको कोई जगह पर स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए उसको स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, राइट। तो ये सब जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उसको जो पैसा चाहिए ना, तो वो पैसा उसको कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से मिलता है, राइट राइट। तो ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर करवाती है, राइट। और उसके अंदर बेनिफिट क्या होते हैं कि एक 3% इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है, राइट। कि फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है जो ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाना चाहता है, राइट, तो वो कहाँ पे जाएगा लोन लेने के लिए, बैंक के पास जाएगा, और बैंक उसको लोन देगी तो बैंक को यहाँ पे ये जो फार्मर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ये फैसिलिटी के लिए बैंक उसको पैसा देगी, तो बैंक को पैसा कहाँ से मिलेगा, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से। अगर फार्मर बोलेगा कि भाई मुझे ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये स्कीम के अंडर में ये मुझे लोन चाहिए, तो फॉर एग्जांपल बैंक उसको 8% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करेगी, तो उसमें से 3% इंटरेस्ट सबमेंशन मिल जाएगा, मतलब फार्मर को कितना इंटरेस्ट पे करना है, 5%। समझ में आया फ्रेंड्स। तो ये स्कीम है जो फार्मर को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए यहाँ पे इस स्कीम के अंडर में लोन दी जा सकती है। उसमें बेनिफिट क्या है फार्मर का, 3% इंटरेस्ट सबमिशन मिलेगा, और ये कौन इंप्लीमेंट करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, चल हमारी दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, PMFME स्कीम। तो PMFME स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो कब लॉन्च की गई थी, 2020 के अंदर, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेगमेंट एंड इंक्रीज द फॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस सेक्टर, राइट। तो ये प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम की अगर मैं बात करूँ, तो इस स्कीम के अंडर में जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर में, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बनने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बनने के लिए जो 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 भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के लिए यहाँ पर लोन दी जाती थी, राइट।
जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बनने के लिए, जो अनऑर्गेनाइज माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है उनको ऑर्गेनाइज माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज बनने के लिए यहाँ पे इस स्कीम के अंडर में लोन दी जाती है, बराबर ना। और इस स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंप्लीमेंट करवाती है। और इस स्कीम के अंदर बेनिफिट क्या मिलता है? तो यहाँ पे 35% क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलती है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट विद अ मैक्सिमम सब्सिडी लिमिट ऑफ ₹10 लाख एंड कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर विद अ मैक्सिमम सब्सिडी लिमिट ऑफ ₹3 करोड़। देखो देखो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई अनऑर्गेनाइज फैक्ट्री है, बराबर ना, और आप एक माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज बनाना चाहते हो वो भी ऑर्गेनाइज स्कीम के अंदर, बराबर ना, तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल आप कोई माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज बनाना चाहते हो, राइट, और उसके लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है ₹1 करोड़, राइट। तो यहाँ पे अगर आप माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज बनाना चाहते हो और उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर ₹1 करोड़ है, तो आपको 35% सब्सिडी मिल जाएगी इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना। मतलब आपको लोन कितने प्रिंसिपल के ऊपर पे करना है? 65 लाख के ऊपर, 65 लाख के ऊपर, राइट। लेकिन सब्सिडी यहाँ पे आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी? 35 लाख। लेकिन सब्सिडी मैक्सिमम कितनी मिलेगी? अगर कोई एक ही पर्सन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाता है तो उसको 10 लाख की मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी। लेकिन एक बड़ा ग्रुप, एक यूनिट बनाना है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाना है, तो उसके लिए मैक्सिमम कितनी सब्सिडी मिलेगी? ₹3 करोड़। कौन सी स्कीम के अंदर में? PMFME स्कीम के अंदर में। कौन इंप्लीमेंट करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंप्लीमेंट करवाती है, राइट। और हमारी तीसरी स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस डिविजन एज अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क दैट विल बी डेवलप द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विद द इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम द फार्म टू द रिटेल आउटलेट, राइट। यहाँ पे भी जो सेम जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम थी ना, कि वहाँ पे फार्मर को जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दी जाती थी, यहाँ पे भी सेम फार्मर को पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फार्मर को अपनी चीज़ों को फार्म से मार्केट आउटलेट तक पहुंचाने के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज़ों के लिए इस स्कीम के अंदर में लोन दी जाती है। और ये जो स्कीम है ना वो कौन कौन इंप्लीमेंट करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, बराबर ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंप्लीमेंट करवाती है, राइट। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलता है? तो यहाँ पे बेनिफिट के फॉर एग्जांपल फार्मर को अपनी चीज़ फार्म से लेके बराबर मार्केट आउटलेट तक पहुँचाने के लिए, बराबर ना, जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसका फॉर एग्जाम्पल कुल कैपिटल उसका ₹1 करोड़ बन रहा है। कुल कैपिटल कितना बन रहा है? ₹1 करोड़, बराबर ना। कुल कैपिटल रिक्वायरमेंट ₹1 करोड़ में, बराबर ना। तो यहाँ पे उसको मैक्सिमम कितना सब्सिडी मिलेगा इस स्कीम के अंडर में? 35% उसको सब्सिडी मिलेगा, मतलब उसको 65 लाख के ऊपर लोन मिल जाएगी, राइट। देखो इस स्कीम के अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज उसको इंप्लीमेंट करवाती है, बराबर ना, वो सेम के फार्मर को जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए पैसा प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे कैपिटल के ऊपर 35% क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलती है, और ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंडर में, बराबर ना। प्रधानमंत्री ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था उसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लोन दी जाती थी उसके ऊपर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था, और वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर उसको इंप्लीमेंट करवाता था, राइट। तो यहाँ पे ये जो कन्वर्जेंस पोर्टल है ना, यहाँ पे ये तीनों स्कीम को इंटीग्रेट किया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक फार्मर है जिसको पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और वो बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है, तो वो एक साथ दो स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल उसको ₹1 करोड़ का कैपिटल उसका लग रहा है, तो उसको 35% सब्सिडी तो मिल जाएगी, मतलब 65 लाख के ऊपर उसकी लोन अप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा उस लोन के ऊपर, ये 65 लाख की जो लोन अप्रूव हो जाएगी वो कौन से स्कीम के तहत में? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत में उसको मिलेंगे ₹1 करोड़, राइट। लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर लगेगा? 65 लाख के ऊपर, 35% सब्सिडी मिल गई, राइट। उसके अलावा ये जो लोन फॉर एग्जाम्पल 8% इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिल रहा है, तो उसको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, वो कौन सी स्कीम के अंडर में मिलेगा? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अंडर में मिलेगा। तो इसके लिए ये कन्वर्जेंस पोर्टल का ये बेनिफिट मिलेगा फार्मर को, और वो एक साथ दो स्कीम का, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर के दो दो स्कीम का वो लाभ उठा पाएगा, सिंपल, बराबर ना।
ओके अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो उसके इंडियन मिनिस्टर है पशुपति कुमार पारस, राइट। और उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल, उन्होंने एक फॉर्म किया है एक ग्रुप। उस ग्रुप का नाम क्या है? एशियन पाम ऑयल अलायंस। एशियन पाम ऑयल अलायंस ये ग्रुप बनाया है किसके द्वारा? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल, राइट। और इस ग्रुप के चेयरमैन कौन बने हैं? अतुल चतुर्वेदी। अतुल चतुर्वेदी उसके चेयरमैन बने हैं। अब इस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि अभी रिसेंटली 25th ग्लोब ऑयल समिट हुआ था और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? टेफला के द्वारा। कहाँ पे हुआ था? आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर, राइट। तो इस समिट के दौरान एक ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप का नाम है एशियन पाम ऑयल अलायंस। एशियन पाम ऑयल अलायंस एक ग्रुप बनाया गया है। उसके मेंबर कौन बने हैं? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल, राइट। अगर मैं इस ग्रुप के बारे में बात करूं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अपेक्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशंस हैव कम टुगेदर एज अ एशियन पाम ऑयल अलायंस टू एम्पावर द सेवरल एशियन कंट्रीज फॉर हुम कि पाम ऑयल इज अ सोर्स ऑफ द अफोर्डेबल फूड एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पे ये जो एशियन पाम ऑयल अलायंस ये जो ग्रुप बनाया गया है वो ऐसी कंट्री का ग्रुप है, वो ऐसी एशियन कंट्री का ग्रुप है कि जहाँ पे पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट बहुत है, पाम ऑयल का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो ऐसी कंट्रीज़ का यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है। अगर मैं कुछ स्टेटिक पॉइंट्स की बात करूँ, द एशियन मार्केट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 40% ऑफ द ग्लोबल पाम ऑयल डिमांड। यूरोप अकाउंट्स फॉर द अबाउट 12% ऑफ द मार्केट एंड द यूएस फॉर द 2%, राइट। मतलब एशियन मार्केट के अंदर पाम ऑयल का डिमांड ज़्यादा है, 40% ऑफ द ग्लोबल पाम ऑयल डिमांड, राइट ना। और सबसे कम है यूएस के अंदर 2%, बराबर ना। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द पाम ऑयल इन द एशियन रीजन एंड अकाउंट्स फॉर द 15% ऑफ द ग्लोबल इम्पोर्ट, राइट। तो पाम ऑयल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कौन करवाता है? बराबर ना। तो इंडिया, बराबर ना। और ग्लोबल इम्पोर्ट का 15% वो अकेला इंडिया पाम ऑयल का इम्पोर्ट करवाता है, बराबर ना। तो इंडिया इम्पोर्ट्स अराउंड 30 to 30.5 million tons ऑफ द एडिबल ऑयल्स एनुअली, ऑफ विच अराउंड 8 to 8.5 million tons इज अ पाम ऑयल, राइट। तो इंडिया है ना वो इम्पोर्ट करवाता है 13 to 30.5 million tons ऑफ द एडिबल ऑयल एनुअली, उसमें से 8 से 8.5 million tons तो पाम ऑयल होगा, राइट। और ऑफ दिस 8 से 8.5 million tons जो पाम ऑयल है उसमें से 45 to 47% इन द रिसेंट टाइम्स केम फ्रॉम द इंडोनेशिया, इन द रिमेनिंग फ्रॉम द मलेशिया, राइट। तो ये जो हम पाम ऑयल जो ज़्यादा मंगवाते हैं, 8 से 8.5 टन जो पाम ऑयल हम मंगवाते हैं, वो उसमें से 45 to 47% तो इंडोनेशिया से आ रहा है और बाकी का मलेशिया से, मतलब दो ही कंट्री से हम इम्पोर्ट करवा रहे हैं। और ये जो कंट्रीज जो ज़्यादा इम्पोर्ट करवाते हैं पाम ऑयल की, उसका एक ग्रुप बनाया गया है एशियन पाम ऑयल अलायंस, बराबर ना। और उसके चेयरमैन कौन रहे? बराबर ना। तो अतुल चतुर्वेदी। ओके, तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि मेक इन इंडिया कंप्लीट्स 8 ईयर्स, एनुअल एफडीआई डबल्स टू $83 बिलियन। अभी इस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि मेक इन इंडिया द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लीटेड 8 ईयर्स ऑफ द पायनियरिंग रिफॉर्म्स विद द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स अक्रॉस द 27 सेक्टर्स इंक्लूड द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर्स। ये पीएम मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया स्कीम 2014 के अंदर लॉन्च की गई थी, 25 सितंबर 2014 के अंदर, राइट। और ये उसके 8 साल कंप्लीट हुए हैं, राइट। और ये मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या था 2014 के अंदर? जो पीएम मोदी के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट, फोस्टर द इनोवेशन, बूस्ट द स्किल डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनहेंस द इंडियाज रैंकिंग ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एंड क्रिएट द वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडिया। ये उसके ऑब्जेक्टिव्स थे जब 2014 के अंदर जो पीएम मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, तब मेक इन इंडिया के ये
ऑब्जेक्टिव्स थे, इस ऑब्जेक्टिव के बदौलत इसको लॉन्च किया गया था। विद दिस इनिशिएटिव इंडियन बिजनेस ट्राई टू इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया एंड ऑल्सो मेड फॉर द वर्ल्ड एडरिंग टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द क्वालिटी, राइट। कि मेक इन इंडिया के अंदर जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है वो अपने प्रोडक्ट को मेड इन इंडिया एसआरओटेक लिखते ही थे, लेकिन वो मेड फॉर द वर्ल्ड, उनके ऐसे प्रोडक्ट ऐसे ही थे कि वो इंडिया के लिए तो थे, वो इंडिया के अंदर तो बनी ही है, उसके अलावा वो प्रोडक्ट वर्ल्ड के लिए बनी है, ऐसी क्वालिटी वाले बनाते लगे, बराबर ना, मेक इन इंडिया के अंदर में। ओके, कि इट इज़ वन ऑफ द यूनिक वोकल फॉर द लोकल इनिशिएटिव दैट प्रमोट्स द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, तो यस, अगर मैं मेक इन इंडिया की बात करूँ, अ मेजर नेशनल प्रोग्राम मेक इन इंडिया सीक्स टू स्ट्रेंथन द इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बाई ब्रिंगिंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। तो फ्रॉम अक्रॉस ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आए, इसके लिए वही ऑब्जेक्टिव से मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था। उसको इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है इंडिया के अंदर, तो डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है। और ये डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम कर रही है, राइट। कि मेक इन इंडिया का मेन इंटेंशन क्या है, तो ये स्कीम का मेन इंटेंशन है कि वो इंडिया का जो एग्जिस्टिंग टैलेंट बेस है उसको लिवरेज करें, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें, जो हमारे सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स हैं उनको मजबूत करें, राइट, और इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूशन करें। और अगर मैं ये मेक इन इंडिया 2.0 की बात करूँ, तो 27 सेक्टर्स के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें से 15 सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग के हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कौन इंप्लीमेंट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और 12 सेक्टर्स जो सर्विस सेक्टर के हैं, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करती है, राइट। ओके, अगर मैं स्कीम के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूँ, इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इम्प्लीमेंटेड अ लिबरल एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी दैट मेक्स द मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स अवेलेबल टू द फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द ऑटोमेटिक रूट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इट्स फॉरन इन्वेस्टमेंट, राइट। कि जो FDI इनफ्लो इंडिया के अंदर $45 बिलियन था 2014-15 के अंदर, वही FDI इनफ्लो इंडिया के अंदर अभी कितना हो गया है, $83 बिलियन हो गया है 2021-22 के अंदर, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट के इसी इनिशिएटिव्स, ये मेक इन इंडिया की जो इनिशिएटिव है कि जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑटोमेटिक रूट के अंदर अप्रूवमेंट दिया जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसी का एक नतीजा है कि जो इंडिया का FDI इनफ्लो 2014-15 के अंदर $45.15 बिलियन था, और वो अभी 2021-22 के अंदर $83.16 बिलियन हो गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, बराबर ना। कि इंडिया इज ऑन कोर्स टू रिसीव द $100 बिलियन FDI इन द करंट फिस्कल ईयर 2022-23 ओइंग टू द रिसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऐसा माना जाता है कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही इंडिया के अंदर $100 मिलियन का FDI हो जाएगा, जो अभी कितना है, $83.6 बिलियन है। ओके, कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है टू बूस्ट द मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो हमने अभी रिसेंटली इस न्यूज़ के अंदर पढ़ा कि PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो जो सेक्टर के अंदर हम इम्पोर्ट ज़्यादा करवाते हैं, उसी सेक्टर के अंदर अगर कोई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, राइट। तो ये PLI स्कीम, राइट। फिर इंसेंटिव स्कीम फॉर द सेमीकंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर्स ये भी एक ऐसी चीज़ है कि हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं, तो अगर कोई सेमीकंडक्टर्स को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करता है तो उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, तो ये भी एक स्कीम है, राइट। फिर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है फ्रेंड्स, कि विच ऑफर्स अ इन्वेस्टर्स एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द अप्रूवल्स एंड क्लियरेंसेस, वॉज सॉफ्ट लॉन्च इन September 2021 विद द एम ऑफ द इम्प्रूविंग द ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस। कि फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टर है, राइट, तो उस वो इन्वेस्टर कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, राइट, लेकिन उसको अप्रूवमेंट नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है उसकी वजह से, तो उसके लिए यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम,
उस सिंगल विंडो सिस्टम के ऊपर कोई भी इन्वेस्टर अगर कोई भी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको क्लियरेंसेस और अप्रूवल्स मिल जाएंगे और उसको कोई और जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट, तो ऐसे स्टेप से भी ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है और मेक इन इंडिया के अंडर में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। राइट, और एक स्कीम है प्रधानमंत्री गतिशक्ति प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर गतिशक्ति प्रोग्राम। द प्राइम मिनिस्टर गतिशक्ति प्रोग्राम वो 2021 के अंदर लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। उसका एम क्या है? टू इंश्योर द लॉजिस्टिक इफेक्टिवनेस इन द बिजनेस ऑपरेशंस बाय बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इन्हेंस द कनेक्टिविटी। ये जो गतिशक्ति प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जोन के अंदर से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ज़्यादा इम्पोर्ट होता है, तो वो उसको ऐसी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड की जाए कि ये जो लॉजिस्टिक का जो खर्च है, नॉर्मली जो अभी हमारे इंडिया का जो लॉजिस्टिक के ऊपर जो खर्च हो रहा है ना, वो 13 से 14% ऑफ द GDP है। और गवर्नमेंट का ऐसा टारगेट है कि हम इस खर्च को कम करके 8% ऑफ GDP लेके आए। तो उसके लिए एक इफेक्टिव लॉजिस्टिक सर्विस होना चाहिए, इफेक्टिव कनेक्टिविटी होना चाहिए, इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो ये इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सी स्कीम के अंदर बनाया जाएगा? गतिशक्ति प्रोग्राम के अंडर में। राइट, फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव इज़ अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ द मेक इन इंडिया विच इज़ एम्स टू फैसिलिट द प्रमोशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा बोला गया है कि आप अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर से एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए कि जो एक यूनिक हो और उसी रीजन के अंदर जो ज़्यादा पाई जाती हो। राइट, तो ये भी एक मेक इन इंडिया के अंदर के एक इनिशिएटिव है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने उद्घाटन किया है 2 डे आरोग्य मंथन 2022। चलो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि अभी रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया गया था अभी उस संस्था के द्वारा आरोग्य मंथन 2022। राइट, कहाँ पे? ये अशोक न्यू दिल्ली, टू मार्क द डबल एनिवर्सरी ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दोनों को इम्प्लीमेंट कौन करवाती है? नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और इस संस्था के द्वारा अभी आरोग्य मंथन 2022 लॉन्च किया गया था। राइट, द इवेंट सेलिब्रेटेड द 4 ईयर्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन द 1 ईयर ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल कंप्लीट हुए और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कितने साल कंप्लीट हुए? 1 साल कंप्लीट हुआ। राइट, और ये जो आरोग्य मंथन है उसको उद्घाटन किसने किया? तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उनके द्वारा ये आरोग्य मंथन का उद्घाटन हुआ। राइट, तो सबसे पहले तो हम जिसकी एनिवर्सरी है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। अगर मैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करूं तो ये जो स्कीम है वो 2018 के अंदर लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। राइट, नहीं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज ए कैशलेस एंड पेपरलेस स्कीम विद द एम टू प्रोवाइड द हेल्थ कवर टू मोर देन 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज ऑफ अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर, जिसकी जिन लोगों की इनकम, यहाँ पे एक हेल्थ कवर प्रोवाइड करने की बात है, जो पुअर और वल्नरेबल फैमिली है यहाँ पे उनको 5 लाख तक का पर फैमिली पर ईयर एक हेल्थ कवर, एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है कैशलेस और पेपरलेस मैनर के अंडर में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में। बराबर ना? ओवर 19 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन मेड इन इंडिया इन 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एंड मोर देन 24 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर्स हैज ऑल्सो बीन जनरेटेड। बराबर ना? तो यहाँ पे टारगेट क्या है कि भाई 10.74 करोड़ लोगों को यहाँ पे ये 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाए। बराबर ना? ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में। बराबर ना? उसके अलावा 19 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाए। राइट, और उसके अलावा मोर देन 24 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर जनरेट हो। बराबर ना? अगर मैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करूं तो ये 2022 के अंदर
26 फरवरी 2022 यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेशनल प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद अ बजट ऑफ ₹1600 करोड़ फॉर द 5 ईयर्स. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज अ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इज इनेबल द सिटीजन्स टू क्रिएट देयर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर्स टू विच देयर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स कैन बी लिंक. राइट, अगर मैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक सिटीज़न का जो हेल्थ रिकॉर्ड है ना वो डिजिटली स्टोर हो. उसके लिए यहाँ पे हर एक सिटीज़न का एक अकाउंट नंबर बनाया जाएगा. उस अकाउंट नंबर को बोला जाएगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर. राइट, तो ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर को यहाँ पे जनरेट करने की बात है इस स्कीम के थर्ड में, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज़न का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर हो और उसी अकाउंट नंबर के अंदर में उसके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स हो. राइट, तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव है. राइट, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर. राइट, तो अभी तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैज़ क्रॉस द लैंडमार्क ऑफ 1 करोड़ डिजिटली लिंक हेल्थ रिकॉर्ड्स विथ ओवर 27 लाख रिकॉर्ड्स लिंक इन द डे. राइट, तो अभी तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर में कितना कितना हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली लिंक हो गया है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटली लिंक हो गए हैं. बराबर ना. टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान आयुष्मान पखवाड़ा. आयुष्मान पखवाड़ा इज ऑलरेडी अंडर वे इन द ऑल स्टेट्स इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम फ्रॉम 15 सितंबर टू 30 सितंबर. बराबर ना, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आयुष्मान पखवाड़ा कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 सितंबर से 30 सितंबर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा. राइट, कि जो ये जो एनिवर्सरी है बड़ा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो एनिवर्सरी है उसको मार्क करने के लिए हर साल आयुष्मान पखवाड़ा लॉन्च किया जाता है 15 से 30 सितंबर तक. बराबर ना. डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं उन्होंने अवार्ड दिया बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स फॉर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एट द आरोग्य मंथन. राइट, तो यहाँ पे स्टेट्स को ये जो दो स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राइट एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये दोनों स्कीम को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे उनको अवार्ड भी दिया गया है. किसके द्वारा? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं उनके द्वारा. तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट और यूटिलिटी कौन बना? आंध्र प्रदेश. राइट, टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन बना? तो पर्वतीपुरम मनियम आंध्र प्रदेश के अंदर. टॉप परफॉर्मिंग गवर्नमेंट फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धारवाड़ कर्नाटका. बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट केरला मेघालय गुजरात मणिपुर झारखंड उत्तराखंड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश. और बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिटरीज कौन बनी? तो चंडीगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर. बराबर ना. यहाँ पे देखो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट आंध्र प्रदेश और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन आपको टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स याद रखना है. बराबर ना. टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है कि जो दोनों स्कीम को बहुत ही अच्छी तरीके से उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया है. ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि नासा ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है डार्ट एज इट क्रैशेस इनटू द एस्टेरॉइड डाइमॉर्फोस. नासा ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है डार्ट. डार्ट का फुल फॉर्म क्या है? डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट. ये डार्ट ने अभी क्रैश कर दिया है डाइमॉर्फोस, एक एस्टेरॉइड का नाम है. आपको पता है कि भाई पृथ्वी को सबसे बड़ा खतरा है ना उसकी तरफ आने वाले एस्टेरॉइड से है, और उसमें से एक एस्टेरॉइड था डाइमॉर्फोस. डाइमॉर्फोस को यहाँ पे डार्ट के द्वारा क्रैश करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है. तो डार्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एस्टेरॉइड से टकराती है और एस्टेरॉइड की डायरेक्शन को चेंज कर देती है ताकि वो पृथ्वी की तरफ ना आके कोई एक और जगह पे चली जाए. राइट, तो ये वर्ल्ड की पहली प्लेनेटरी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है जो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है. उसका नाम है डार्ट. सिंपल. बराबर ना. अगर मैं डार्ट मिशन की बात करूँ तो डार्ट टारगेटेड द एस्टेरॉइड मूनलेट डाइमॉर्फोस. ये जो एस्टेरॉइड का नाम है डाइमॉर्फोस, एक स्मॉल बॉडी विथ जस्ट 530 फीट इन डायमीटर दैट ऑर्बिट्स अ लार्जर एस्टेरॉइड कॉल्ड द डिडिमोस. राइट, जिसका डायमीटर कितना है? 2560 फीट. बराबर ना. तो ये नाइदर डाइमॉर्फोस नॉर द डिडिमोस एस्टेरॉइड्स पोज अ थ्रेट टू द अर्थ. दिस मिशन हैज बीन कंट्रोल्ड एट द ओके. अगर मैं डार्ट की बात करूँ तो डार्ट इज अ स्पेसक्राफ्ट डिजाइन टू इम्पैक्ट एन एस्टेरॉइड एज अ टेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी. इज अ फर्स्ट एवर मिशन डेडिकेटेड टू द इन्वेस्टिगेटिंग एंड डेमोस्ट्रेटिंग अ मेथड ऑफ द एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन
बाई चेंजिंग एन एस्ट्रोइड्स मोशन इन द स्पेस थ्रू द काइनेटिक इम्पैक्ट, बराबर ना। तो पहली बार ऐसा कोई मिशन लॉन्च किया गया जो एस्ट्रोइड के जो काइनेटिक इम्पैक्ट को चेंज कर रहा है, बराबर ना। तो ये पहली बार ये डार्ट लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, बराबर ना, जिसने अभी डायमॉर्फोस को अभी उसकी डायरेक्शन को चेंज किया है, जस्ट सिंपल, बराबर ना। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेमोन्स्ट्रेट अ काइनेटिक इम्पैक्ट विद द डायमॉर्फोस, चेंज द बाइनरी ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द डायमॉर्फोस, बराबर ना। यूज अ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन टू मेजर द डायमॉर्फोस पीरियड चेंज बिफोर द एंड आफ्टर द इम्पैक्ट एंड मेजर द इफेक्ट ऑफ द इम्पैक्ट एंड रिजल्टिंग द इजेक्टा ऑफ द डायमॉर्फोस, बराबर ना। ये पूरे डार्ट का ऑब्जेक्टिव था कि भाई ये जो एस्टेरॉयड के ऊपर उसने अटैक किया है उसकी गतिविधि के अंदर जो पहले क्या था उसका सिचुएशन और उसके इम्पैक्ट के बाद उसका सिचुएशन क्या है, राइट। तो ये पूरा उसको ट्रैक कर रहा है डार्ट, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। अभी हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया कि इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022, राइट। अभी इस रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ उसके बारे में लिखते हैं कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो जगदीप धनखड़ है, उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 सितंबर को, राइट। तो ये रिपोर्ट के अंदर क्या फाइंडिंग्स हुए उसके बारे में देखते हैं। तो रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट विजिट, बराबर ना। कि इंडिया के अंदर फॉरेन टूरिस्ट विजिट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के अंदर आते हैं? महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर, राइट। और अगर मैं बात करूँ तो कि उत्तराखंड वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म कैटेगरी। अगर टूरिज्म को लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल जो जिस स्टेट ने सबसे ज़्यादा डेवलप किया है उस स्टेट का नाम क्या है? उत्तराखंड। सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट कहाँ पे आते हैं? बराबर, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर, बराबर ना। अगर मैं इस रिपोर्ट के की हाइलाइट्स की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू द डेटा द टोटल नंबर ऑफ द फॉरेन विजिटर्स इन 2021-22 वो कि तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश हैव द मोस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट। जो फॉरेन विजिट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर हुए थे, बराबर ना। और लेकिन डोमेस्टिक टूरिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे विजिट कर रहे हैं? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर, बराबर ना। और इंडिया वॉज रैंक 54th इन द ग्लोबल ट्रैवल इन टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अंदर। इंडिया का रैंक क्या था? 54th था ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, बराबर ना। और इंडिया के अंदर जो टॉप 15 सोर्स मार्केट है फॉर द फॉरेन टूरिज्म अराइवल्स, बराबर ना। कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ से आते हैं? जो 15 सोर्स मार्केट कौन कौन से हैं? तो US, बांग्लादेश, UK, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोर्टुगल, फ्रांस, मालदीव, श्रीलंका, रशियन फेडरेशन, इराक एंड नीदरलैंड। ये 15 जगह से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया के अंदर आते हैं, बराबर ना, राइट। और अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इंडिया के अंदर US से और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं इंडिया से कौन से देश के अंदर? UAE से, UAE के अंदर जाते हैं, बराबर ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। उसके अलावा ताजमहल इज़ मोस्ट विजिटेड टिकेटेड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइट फॉर द डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2021-22, बराबर ना। अगर मैं बात करूँ टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर सेंट्रली प्रोटेक्टेड टिकेटेड मोन्यूमेंट्स फॉर द डोमेस्टिक विजिटर्स, डोमेस्टिक विजिटर्स के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा मोन्यूमेंट्स है? तो ताजमहल जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सेकेंड नंबर पर रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर, कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर, ग्रुप ऑफ द मोन्यूमेंट्स एट द ममालापुरम तमिलनाडु के अंदर और आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर, बराबर ना। ये डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए है। अगर मैं फॉरेन विजिटर्स के लिए बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी जगह है? तो ग्रुप ऑफ द मोन्यूमेंट्स एट द ममालीपुरम तमिलनाडु के अंदर। सेकेंड नंबर पर ताजमहल। थर्ड नंबर पे टाइगर हेडेड रॉक का टेम्पल तमिलनाडु के अंदर, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश और जिंगी फोर्ट तमिलनाडु के अंदर, बराबर ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके अलावा मिनिस्टर टूरिज्म के द्वारा ऐसा भी बताया गया है कि जो टूरिज्म हमारा इंडस्ट्री है वो 250 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया के GDP के अंदर 2030 तक, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ये मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया था, बराबर ना। और इस रिपोर्ट के अंदर कहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं, कहाँ पे डोमेस्टिक फॉरेन विजिट ज़्यादा होती है, बराबर ना, कौन से मॉन्यूमेंट के अंदर डोमेस्टिक टूरिस्ट जाते हैं,
कौन से मॉन्यूमेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फॉरेन विजिटर्स के लिए, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।